खबर शामिल करते हैं बाडा से, जहां पर हुकूमत सिंध के जानिब से बरसात के मौसम में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, मगर अफसोस इस बात का है, टाउन कमेटी बाडा ऑफिसर और अकाउंट क्लर्क परियल सोमरो अपना कानून बना रखा है। बाडा के 14 वार्डों में 20 से ज्यादा ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। बकाया जात मुलाजमीन वीजा पर तैनात। बाडा शहर में बरसात के पानी, 2010 सैलाब जैसा मंजर पेश। शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में पानी के अनबार लगे हुए हैं। हर तरफ पानी का शोर मचा हुआ है, जिसके बाईस मुख्तलिफ बीमारियों का फैलने का खतरा लाहक है। कई बार टाउन कमेटी बाडा ऑफिसर और अकाउंट क्लर्क परियल सोमरो को शिकायत की, मगर करप्शन के बेताब बादशाह सुनी अनसुनी कर देते हैं। बाडा के मौजूदीन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाडा के मुख्तलिफ मोहल्लों में सैवरेज सिस्टम की सफाई सुथराई न होने से बरसात के पानी घर में दाखिल हो गया है, मगर अफसोस टाउन बाडा करप्शन मास्टर माइंड परियल सोमरो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई। बाडा शहर गंदगी का ढेर बन गया है। टाउन कमेटी बाडा क्लर्क परियल सोमरो 10 सालों ज्यादा अरसा टाउन कमेटी बाडा गिर गुजार चुका है। इनके कारनामों से मिसालें मौजूद हैं, जिसमें छोटे बिल मुलाजमीन, वीजा, झूठी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और दीगर कारनामा मौजूद हैं, जिससे लाखों रुपया मोहाना बजट बनाकर करोड़ों रुपया के मालियत से बंगला और मुख्तलिफ शहरों में जरिए जमीन के साथ साथ लाड़काना में मकानात, 220 गज प्लॉट और दीगर काला दिन बना बैठा है। उन्होंने पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG रेंजर्स, सिंध हुकूमत मशीनरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA सरदार हजबुल्ला खान भुगियो साहब से अपील करते हुए कहा कि नाअहल करप्ट करप्शन मास्टर माइंड रिश्वतखोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बाडा के तमाम मोहल्लों में सैवरेज सिस्टम की सफाई के साथ साथ बरसात का पानी निकाला जाए।